हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या आपको धोखा दे रहे हैं या आने वाले समय में आपको धोखा दे सकते हैं। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उन्हें ही रखिएगा। तो शुरू करते हैं। इन दोनों डेक्स को मैं यूज़ करूँगी जस्ट टू चेक कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या आपको धोखा दे रहे हैं। प्यार या धोखा, या आपने थंबनेल में देखा होगा, ये टॉपिक अचानक से मुझे क्लिक किया और मैंने इस टॉपिक पे ही रीडिंग करने की सोची आज के दिन में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर ट्रू लव करते हैं, प्यार करते हैं या धोखा दे रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें, क्या उनका प्यार सच्चा है या फेक है। प्लीज़ गाइड करें। सिक्स कार्ड्स, ट्रू लव है या धोखा है। ट्रू लव है या धोखा है। ट्रू लव है या धोखा है। ओके, मैंने सिक्स कार्ड्स मांगे थे बट आ गए काफ़ी सारे, तो ले लेते हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें बताना चाहते हो एंजल्स। कुछ कार्ड्स इस डेक से भी लेंगे। बॉटम से हैं हमारे फेवरेट डेविल। अरे प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स उनसे ट्रू लव करते हैं या फेक लव है, सच्चा प्यार है या धोखा दे रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्यार है या धोखा। प्यार है या धोखा। ये फिर आ गया, इसे ले लेते हैं। प्यार है या धोखा एंजल्स, प्लीज गाइड करें। लास्ट कार्ड, चलिए तो चेक करते हैं प्यार है या धोखा है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास कंप्लीशन, राइपनेस, पार्टिसिपेशन, आइसोलेशन, गोइंग विद द फ्लो, मैच्योरिटी, कॉन्शियसनेस, सेलिब्रेशन, सिज़ोफ्रेनिया, द सोर्स, गिल्ट, सप्रेशन, ट्रस्ट। कार्ड्स दिख रहे हैं सारे आपको? यहाँ दिख रहा था ना, यही रखते हैं। सो साइन बता देती हूँ अभी, इस कार्ड्स को मैं अभी देखूँगी, पहले इसे देखते हैं। इस डेक से जो एनर्जी निकल कर आई है कलेक्टिव लेवल पे, ये नज़र आ रहा है कि सबसे पहले साइंस यहाँ पर तो बहुत सारे साइंस हैं, सभी साइंस हैं ऑलमोस्ट। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, सभी साइंस हैं और सभी इक्वल मात्रा में हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं। अब इसे आप प्यार कहिए या धोखा कहिए, हो सकता है कई लोगों के पार्टनर जब आपके लाइफ में आए तभी वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में थे, मे बी ऑलरेडी मैरिड रहे हों या रही हों।
कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है ऑलरेडी किसी सिचुएशन में रहे हों, या उनकी फैमिली या कास्ट अलग रही हो, या एज गैप रहा हो, आपको पहले से ही पता रहा हो कि हाँ इस रिलेशनशिप में आगे चल के कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, लेकिन प्यार के आगे ज़ोर नहीं चलता। ये भी पॉसिबल है कि वो सिंगल रहे हों, आप मैरिड रहे हों। सो बिना सोचे समझे आपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करा है, बिना सोचे समझे कोई भी आपने एफर्ट नहीं डाला इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के पहले, क्योंकि पुल इतना इंटेंस था, इतना इंटेंस आपको फीलिंग्स हुआ, कनेक्शन हुआ, कि आपको कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ पर यह नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बेइंतहा करते हैं, प्यार की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ये आप पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, आपके साथ ही खुश रहते हैं, कॉन्शियस लेवल पे भी, टेलीपैथिक लेवल पे भी ये आपसे कनेक्टेड फील करते हैं या करती हैं, ये आपको हर तरीके से कमिटमेंट देने के लिए, इस रिलेशनशिप में रिज़ल्ट पॉजिटिव हो इसके लिए एफर्ट डालती हैं या डालते हैं। बट यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कंप्लीशन तो ये आपके साथ ही चाहते हैं, प्यार आपके साथ करते हैं, टेलीपैथिक वे में भी आपके साथ कनेक्टेड होते हैं, ड्रीम्स में आप होते हो, इन्हें 24/7 आपकी याद आती है भले ये किसी भी सिचुएशन में हो, बट कंप्लीशन में यहाँ पर इन्हें टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से आपको डाउट क्रिएट होता है कि क्या ये सच में आपसे प्यार करती हैं या करते हैं। आपको अंदर से पता है इंट्यूटिव लेवल पे कि ये बंदा आपसे बहुत प्यार करता है या ये बंदे आपसे बहुत प्यार करता है, करती है, बट आपको ये बात भी पता है कि कब होगा आखिर कमिटमेंट, कब मिलेगा, कब होगी शादी, कब ये निकलेगा थर्ड पार्टी से, या कब निकलेगी थर्ड पार्टी से, या कब मेरे लिए स्टैंड लेगा या लेगी। बट ये बंदा जो है या ये बंदी जो है ये तो सेपरेशन की एनर्जी में है, इसे पछतावा भी होता है कि इसकी वजह से आपकी लाइफ ख़राब हुई या इसकी वजह से आपको वेटिंग पे रहना पड़ रहा है। समटाइम्स इन्हें लगता है कि शायद इन्हें आपकी लाइफ से निकल जाना चाहिए था बहुत पहले ही, या इन्होंने गलत डिसीजन लिया, इन्हें पछतावा भी होता है। बट फिर ये मैच्योर वे में सोचने लगते हैं कि नहीं, मुझे बैलेंस क्रिएट करना है, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। थर्ड पार्टी में ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, अगर हैं तो आइसोलेशन की एनर्जी है। तो इस डेक से ये सिचुएशन निकल कर आई है, मतलब कि ये प्यार बहुत करते हैं, लव बहुत है, धोखा नहीं है, लेकिन हाँ लाचार हैं, मजबूर हैं, या किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। सिर्फ यही कारण है आप दोनों के बीच में कमिटमेंट ना मिलने का या रीयूनाइट ना हो पाने का। इस डेक से तो यही एनर्जी आई है, देखते हैं इस डेक से क्या कार्ड्स मिले हैं हमें। हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, द डेविल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, जस्टिस, एम्प्रेस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। किसी कार्मिक बंधन में स्टक हैं या फिर किसी एडिक्शंस में हैं, या तो इनके लाइफ में कोई कर्मा है, कर्मा साइकिल है, सैटर्न की एनर्जी है, कोई कार्मिक पार्टनर है या कार्मिक पेरेंट्स हैं या कार्मिक सिचुएशंस हैं, जिसकी वजह से समटाइम्स बहुत ज़्यादा स्टबन बिहेव करने लगती हैं या करने लगते हैं। इनके कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं, मे बी अचानक से बहुत प्यार जताना, अचानक से बिल्कुल गुस्सा हो जाना, टॉक्सिक बिहेवियर होना, इनसिक्योरिटी होना, फियर होना, ऑन एंड ऑफ रहना। लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि ये चाहे जितना भी एफर्ट डाल लें, ये लौट कर वापस ज़रूर आ जाते हैं, ये मूव ऑन नहीं कर पाते आपसे। अब इससे आप क्या कहेंगे, क्या ये प्यार है? अगर कोई बंदा आपसे झगड़ा कर ले, गाली गलौज हो जाए, बहुत हद तक बर्बाद हो जाए रिलेशनशिप, आपको ऐसा लगे कि यार इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं बचा, शायद सब ख़त्म, प्यार था ही नहीं, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद या कुछ महीने के बाद वो पर्सन वापस आ जाए, ना आप मूव ऑन कर पाओ ना वो मूव ऑन कर पाए, आप भी इतने के बाद भी उसको याद करो, उसे ब्लेसिंग्स दो, उसे विश करो, उसे मैनिफेस्ट करो कि यार उसके बिना तो मन ही नहीं लग रहा, और वो बंदे का भी यही हाल है या उस बंदी का भी यही हाल है, और लौट कर वो वापस ज़रूर आ जाते हैं या आ जाती हैं आपके लाइफ में। तो ये ऑन एंड ऑफ का गेम क्यों है? ऑब्वियसली पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मे बी आप कार्मिक से डील कर रहे हो, मे बी आप सोलमेट से डील कर रहे हो, मे बी आप कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे हो, या मे बी आप अपने सोल से डील कर रहे हो, अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, डजंट मैटर।
बट अगर ये वापस आ रहे हैं तो क्या चीज़ उन्हें खींच रही है आपकी तरफ, लेट्स क्लेरिफाई, क्यों आते हैं वापस ये। जब इन्हें रियलाइजेशन होता है, अवेकन होते हैं, तो इन्हें होप रहती है, इन्हें हमेशा पता होता है कि आप वेट कर रही हो या आप वेट कर रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर सकते इनको छोड़कर। हमेशा आ जाते हैं, मैसेज करते हैं, बैलेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि आप इनकी दुनिया हैं, द वर्ल्ड। क्यों अटके रहते हैं, क्या रीज़न है। लव, किंग ऑफ कप्स, यहाँ से कौन आ रहा है देखो, टू ऑफ कप्स। लव की वजह से अटके रहते हैं, लविंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों ही डेक से ये कार्ड्स निकल कर आए हैं यहाँ पर। अभी मैं फाइनल कार्ड्स भी लूँगी थर्ड डेक से, ये देखने के लिए कि प्यार है या धोखा। बट दोनों ही डेक से ये एनर्जी, बड़ी क्यूट सी एनर्जी निकल कर आई है कि टॉम एंड जेरी का रिलेशनशिप है, अगर साथ में हैं तो पटता नहीं है, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, और अगर साथ में रहते भी हैं तो कुछ टाइम अच्छे से रहेंगे, कुछ टाइम झगड़ा करेंगे, कुछ टाइम ट्रस्ट इश्यूज होंगे, कुछ टाइम एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, लेकिन जब सेपरेट होंगे तो मैग्नेट की तरह वापस आके चिपक जाएंगे, दूर रह ही नहीं सकते, इतना ड्रेन्ड हो जाएंगे, इतनी वीकनेस लगने लगेगी, हेल्थ ख़राब होने लगेगी, वेल्थ ख़राब होने लगेगा, सिचुएशन बिगड़ने लगेगी, उन्हें लगेगा यार ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, क्यों हो रहा है ऐसा। और एट लास्ट ये वापस आपकी तरफ आएंगे और अपनी एनर्जी को गेन करेंगे, इस तरह की कनेक्शन है आप लोगों की। सो देखते हैं प्यार है या धोखा। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, अब इस डेक से ही हम देखेंगे प्यार है या धोखा, प्लीज़ गाइड करें। क्या रिज़ल्ट है इस रीडिंग का, क्या मेरे व्यूवर्स से उनके पार्टनर्स प्यार करते हैं या धोखा दे रहे हैं, प्यार है या धोखा। फाइव फाइव फाइव, ट्रिपल फाइव, ओके, एम्प्रेस, ट्रिपल थ्री, ओके, इनके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ डेस्टाइंड है, सब कुछ पहले से डेस्टाइंड है, चाहे इनके मटेरियल लॉसेस हों, इनके फाइनेंशियल लॉसेस हों, करियर में ऑब्स्टेकल्स हों, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। यहाँ पर जितनी बार भी आप दोनों में ब्रेकअप होता है रीज़न थर्ड पार्टी होती है, या तो ट्रस्ट इश्यूज, या तो फैमिली इशू, या तो कमिटमेंट इशू। यहाँ पे 333 की सिंक्रोनिसिटी है, आपको वेट करना है, आपके पार्टनर हर सिचुएशंस को सेक्रीफाइस करेंगे आपके लिए, सेल्फ लव में आएंगे, इंडिपेंडेंट होंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेट्स क्लेरिफाई सम कार्ड्स, एम्प्रेस क्यों आई हैं, बैलेंस, ओके, ऑब्स्टेकल्स क्यों आ रहे हैं, इमोशनल लॉस, ओके, सैक्रिफाइस क्यों आया है, इमोशनल विड्रॉवल, ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेट क्यों आया है, लाइट, ओके, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज क्यों आया है, एम्परर, ओके, ट्रुथ क्यों आया है, जगलिंग, ओके, मटेरियल हार्वेस्ट क्यों आया है, सक्सेस, होप, ओके, फाइनल क्या होगा, क्या मेरे व्यूअर्स रीयूनाइट हो पाएंगे अपने पार्टनर के साथ, यस, कमिटमेंट, मत गाया, 7-7 चैरियट, वे चूज़ वाइजली, इन्हें सही निर्णय लेना होगा आगे चल के, जिस निर्णय को लेने के लिए इनसिक्योर हैं, बट आपको पेशेंस रखना है, मदर गाया की एनर्जी वर्क कर रही है आपके लिए, कमिटमेंट आपको ही मिलेगी, मैसेज भी आएगा, लेकिन उसके पहले जो कार्ड्स आए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं।
ये क्यों नहीं बात करते हैं, क्यों एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उसका कारण इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, इनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हैं, इनके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेसिव नहीं हैं, अपने दिल की बातें ज़ुबान तक नहीं ला पाते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उसके पीछे। सरेंडर की एनर्जी है, ये पूरी तरह से सरेंडर कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, निकल जाना चाहते हैं इस सिचुएशन से बाहर। ये बैलेंस अगर हो गई सिचुएशंस तो ठीक है, अदरवाइज टावर मोमेंट के थ्रू बाहर निकलेंगे। यहाँ पर ब्रेकअप का भी एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ट्रुथ, इन सब सिचुएशन से हील होकर बाहर निकलेंगे, क्लियर करेंगे इन सिचुएशंस को। एंड वी हैव वेटिंग एनर्जी, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। यहाँ पर होप की एनर्जी है, जैसे जैसे ये सेल्फ लव में आएंगे अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, आपको होप रखनी है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड पेशेंस, सो यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, ये सही डिसीजन लेंगे, प्यार को चूज़ करेंगे, लेकिन सबके अपने कर्माज होते हैं, तो जिसके जैसे कर्माज हैं वैसे वैसे उनको टाइम लगेगा। आपके कार्मिक्स उनके कार्मिक्स, आपकी कार्मिक लेयर्स उनकी कार्मिक लेयर्स, सबके कार्मिक लेयर्स अलग होती हैं। जिसकी कार्मिक लेयर्स कम हैं उनका जल्दी जल्दी शादी हो जा रहा है, कमिटमेंट हो जा रहा है, रीयूनाइट हो जा रहे हैं। जिनके कार्मिक लेयर्स या कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा हैं उन्हें वक्त लग रहा है। तो कलेक्टिव रीडिंग में यहाँ पर जो रिज़ल्ट निकल कर आया है वो ये है कि आपके पार्टनर चाहे किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, किसी भी ऑब्स्टेकल से जूझ रहे हों, किसी भी ऐसे व्यक्ति के अंडर में हो जिनसे वो डरते हैं या ओवरथिंकिंग करते हैं, बट उनके दिल में सिर्फ आप राज करते हो, इमोशनल लेवल पे सिर्फ और सिर्फ आपसे अटैचमेंट फील करती हैं या करते हैं। हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अगर आपको तकलीफ़ दिया, अगर आपको अपनी बातों से हर्ट किया, तो कुछ टाइम के बाद ये वापस आके आपको क्लैरिटी भी देते हैं, माफ़ी भी मांग सकते हैं, अपॉलोजी भी देते हैं या प्यार से मना सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है। सो इनके लाइफ में सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि ये धोखा नहीं दे रहे हैं, ये प्यार करते हैं, दिल से करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, और ये सही समय पर ही एक्शन लेने की एनर्जी है। मतलब जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आपकी तरफ एक्शन होगा, लेकिन इनके प्यार में डिफेक्ट नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी। सो आज की रीडिंग में प्यार जीत रहा है और धोखे की एनर्जी यहाँ पर नहीं है। सो अपने पार्टनर्स को रिस्पेक्ट करें, फॉरगिव करें, हमेशा ब्लेसिंग्स दें और अपने ऊपर माइंड फोकस करें। कभी भी ये ना सोचें कि वो बंदा मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, या वो बंदा मुझे, हो सकता है उस बंदे या उस बंदी के पीछे कोई कारण हो, कोई ऐसी मजबूरी हो जिसकी वजह से वो डिस्टेंस बना रहा है, अपने दिल को, अपने इमोशंस को बंद करके, रोक के वो आपसे डिस्टेंस में जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सप्रेस करे, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत प्यार करते हैं बट जता नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और आपको अपने दिल से पूछना है कि क्या आपके पार्टनर से आपका लव इतना इंटेंस है, अगर है तो डेफिनेटली ट्रस्ट करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।